दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम लगातार आपको पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज से संबंधित जिला अस्पताल की कई खबरें दिखा रहे हैं। हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी की कमियां निकालना, कुछ गलत दिखाना नहीं है, लेकिन जब एक बार अस्पताल आप जाएंगे और उसके बाद आप ये जरूर कहेंगे कि ये जो खबर, ये जो लगातार आप अपडेट दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के जो गरीब लोग हैं, मरीज हैं, अस्पताल आते हैं, उनके लिए ठीक हो रहा है। हमारा ये सब दिखाना, सिस्टम को दिखाना है कि यहाँ का सिस्टम कैसे चल रहा है, यहाँ का सिस्टम कैसा है। अब मैं कुछ बातें आपको लगातार दिखाऊंगा, एक एक करके एक एक पॉइंट पर बात करने की कोशिश करूंगा और ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर बाड़मेर के जिला अस्पताल में क्या चल रहा है। आप अस्पताल के अंदर जैसे ही एंट्री करेंगे तो जिस गली से आप मातृ एवं शिशु विभाग की तरफ जाएं या फिर इमरजेंसी डिपार्टमेंट की तरफ जाएं या अस्पताल की पूरी बिल्डिंग किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, आपको एंटर होते ही वहाँ पर कचरे के ढेर मिलेंगे, बायोवेस्ट मिलेगा वहाँ पर, जिस अपशिष्टों को गड्ढा गोद करके उनको पूरी तरीके से ढक दिया जाना होता है वो खुले में फेंका मिलेगा, जगह जगह पर हर चीज़ अस्त व्यस्त डाली हुई फेंकी मिलेगी, आपको सिरिंजें मिलेगी, न जाने क्या क्या मेडिकल जो बायोवेस्ट हैं वो आपको अलग अलग जगहों पर दिख जाएंगे और उसकी इतनी बुरी बू आएगी कि वहाँ कई प्रकार के मच्छर पनप जाते। नंबर एक बात। अब अपन चले गए सीधे ओपीडी पर्ची काउंटर पर, क्योंकि आपको सबसे पहले पर्ची कटवानी होगी। कल हमने एक खबर की, जो पर्ची काउंटर है वहां पर जो हमारे भाई मित्र यहां बाड़मेर के लोग बैठे थे उनसे बातचीत की तो उनका कहना है कि एक दिन में 4000 पर्चियां निकाली जाती हैं। हम मानते हैं कि यह आंकड़ा थोड़ा कम होगा, लेकिन आप सोचिए कि 4000 पर्चियां निकालने के लिए सिर्फ एक काउंटर और उस पर सिर्फ 4 लोग और उनको भी कई सारे काम रहते हैं। हम उन पर ये नहीं कहते कि पर्चियां कटाने में देरी क्यों है, इतनी कतारें क्यों, वो बेचारे करें भी तो करें क्या, न अंदर कोई व्यवस्था है, ना पंखा है, ना बैठने के लिए जगह है, कुर्सियां टूटी पड़ी है, कंप्यूटर खराब है, जालियां टूटी पड़ी हैं, कोई सिस्टम नहीं है, आखिर इनकी देखरेख कौन करेगा, वो बेचारे करें भी तो करें क्या, कैसे 4000 लोगों की पर्चियां काटें, वो भी तो इंसान हैं। लेकिन नहीं, एक पर्ची काउंटर नया नहीं बन रहा है, ये मांग अब से नहीं उठ रही है, लंबे समय से ये मांग उठ रही है कि आखिर यहां पर क्या चल रहा है। पर्ची काउंटर के बाद सीधे चलिए ओपीडी में डॉक्टर को चेक करवाने के लिए। एक रूम के अंदर इतनी सारी भीड़ क्योंकि डॉक्टरों की कमी, यहां तक तो ठीक है, डॉक्टरों के बैठने के लिए जो बिल्डिंग बनी है कुछ साल पहले ही, वो रोज नीचे गिर रही है, सीलिंग गिर रही है, छत गिर रही है, पंखे खराब है, एसिया है नहीं, मरीजों के लिए कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है और जो लंबी बाहर भीड़ लगती है मरीजों की, उनको व्यवस्थित खड़े करने के लिए गार्ड भी लगाए जाते हैं। बताया जा रहा है कि यहां पर कागजों में 140, 50 या 100 से अधिक गार्ड है, लेकिन आपको ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर आप पूरे अस्पताल में घूम लेंगे तो आपको वर्दीधारी एक भी गार्ड नहीं मिलेगा और पूरे गार्ड 10 या 12 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जाके देख के आइएगा, आपको समझ में आ जाएगी। अब डॉक्टर साहब ने अपने मन में इन मरीजों के प्रति भाव, अपनी ड्यूटी के प्रति कर्तव्य निष्ठा दिखाते उनको चेक कर लिया। कई बार तो डॉक्टर बेचारे लोगों को देख करके कई प्रकार की जांचें भी नहीं लिखते हैं, उनको पता है कि जांचें लिख दी तो इनके पास पैसे नहीं हैं, डॉक्टरों ने लिखा तो उनको करवानी ही पड़ेगी, तो बाहर जाके बेचारे इनके पास कुछ पैसे वो भी खर्च करके आएंगे, वो मैनेज कर देते हैं, लेकिन बहुत जरूरी होने पर वो जांचें लिखते भी हैं। सबसे पहले अपन करेंगे खून जांच की या अन्य प्रकार की जो जांचें होती हैं उनकी। सिर्फ एक कमरा और उसके अंदर अगर आप एक बार आपने जाके देख लिया तो आपकी वहाँ पर
जो जांचें करवाने गए हैं वो बीमारी है, उससे ज्यादा बीमारी आपको वहां पर खड़े खड़े हो जाएगी। मरीज कई घंटों तक खड़े रहते हैं, सैंपल ले लिए, रिपोर्ट 7 दिन बाद आएगी। जिसकी रिपोर्ट कुछ घंटों में आनी चाहिए वो 7 दिन बाद आएगी, जिसकी रिपोर्ट हाथों हाथ दी जाती है वो अगले दिन 2 दिन बाद आएगी। कारण स्टाफ की कमी, मशीनों की कमी, कई सा प्रकार की मशीनें खराब। आखिर जिम्मेदारी किसकी, जिम्मेदारी किसकी, ये क्यों नहीं हो रहा, इस पर भी बात करूंगा मैं। और आज एक बड़ा खुलासा भी करूंगा, इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि मेरा ये फर्ज है, मेरा ये धर्म है, बाड़मेर का नागरिक होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, कि मैं ये बातें बताऊं, सिस्टम के सामने रखूं। हालांकि बाड़मेर की सारी मीडिया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट हो या फिर डिजिटल मीडिया हो, लगातार ये खबरें कर रहे हैं, लेकिन असर के नाम पर यहाँ पर सिर्फ ठेंगा दिख रहा है। कारण ये कि यहाँ सिस्टम नीचे से लेकर ऊपर तक सेट है। अब हम बात जांच के बाद सीधा सोनोग्राफी पे जाते हैं। एक मरीज के लिए सोनोग्राफी इसलिए लिखी जाती है क्योंकि उसके पेट में कोई दिक्कत होती है, या तो पेट दर्द होता है, या उसके आंत में कोई प्रॉब्लम होती है, या उनके फेफड़े में होती है, या लीवर में किसी प्रकार की कोई अगर पेट में तकलीफ होती है, तो डॉक्टर साहब उनके लिए सोनोग्राफी की जांच लिखते हैं। और जब जांच करवाने के लिए मरीज पहुंचता है तो एक तो उनको कई घंटों तक वहां पर खड़ा रहना पड़ता है, और जब डॉक्टर साहब उसके जांच करने के लिए उनकी बारी आती है तो कहा जाता है कि आपकी रिपोर्ट 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, 1 महीने बाद आएगी। गलती डॉक्टर की नहीं है, गलती उन टेक्नीशियन की नहीं है, मशीन ही एक है। सरकारी अस्पतालों में रेडियोलॉजिस्ट नौकरी ही नहीं करना चाहते, तनख्वाह क्या मिलती है, बदले में आप बाहर प्राइवेट पर जाइए, उसकी कई गुना, 5 गुना 7 गुना ज्यादा उनको तनख्वाह मिलती है काम करने पर, तो भला कौन क्यों सरकारी अस्पताल में आएगा। बाड़मेर के जिला अस्पताल में कैर्न द्वारा सोनोग्राफी के लिए रेडियोलॉजिस्ट लगाया गया था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसे हटा दिया गया। क्यों, क्या वहां पहले ही रेडियोलॉजिस्ट की बहुत सारी जगह थी, बहुत सारे थे, इसलिए हटा दिया गया? नहीं, इसके पीछे भी कारण निजी लैब वालों को सीधा सीधा फायदा पहुंचाना है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। हालांकि सभी लोग एक जैसे नहीं होते, हर जगह पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। यहां पर भी कुछ डॉक्टरों की सेटिंग यहां के निजी लैब से हैं, एक दो निजी लैब के मैं यहां पर नाम भी लेना चाहूंगा, लकी लैब और कृष्णा लैब, उनके गुर्गे उनके लब के डॉक्टरों के रूम के बाहर बैठे रहते हैं, और जैसे ही मरीज सोनोग्राफी जिसके लिखते हैं उनको बोलते हैं चलिए हमारी सोनोग्राफी लैब में चलिए हम आपको करवा देंगे, और वहां पर क्या, वहां पर सोनोग्राफी करवाने कर जो करने वाले हैं वो डॉक्टर है ही नहीं, रेडियोलॉजिस्ट है ही नहीं। हाँ, एक दो में जरूर होंगे, मैं जिनकी बात कर रहा हूं वहां पर भी होंगे, लेकिन कई ऐसे लैब हैं जहां पर रेडियोलॉजिस्ट ही नहीं है, जहां पर एक्सरे करते हैं, जहां पर सोनोग्राफी करते हैं, उनके बीच में एक लिमिटेड डिस्टेंस होना चाहिए, एक अंतराल होना चाहिए, जगह स्पेस होना चाहिए, क्योंकि जो एक्सरे में वहां पर किरणें निकलती हैं उसी किरणों का अगर असर किसी गर्भवती महिला जो सोनोग्राफी कर रही है तो उस पर पड़ता है, तो बच्चा पेट में ही मर जाता है। लेकिन जांच करने वाले इस पर कोई जांच ही नहीं करते, कारण उन तक भी सिस्टम पहुंच जाता है। प्रत्येक सोनोग्राफी जो पर सिस्टम है वहां पर एक ट्रैकर लगा होता है। क्या बाड़मेर की सभी सोनोग्राफी सेंटर पर लैब है वहां पर ट्रैकर है? वो ट्रैकर ये काम करता है कि अगर सोनोग्राफी करते समय अंदर जो भ्रूण है उसके किसी एक पार्ट पर अगर वो मशीन ले जाते हैं तो सीधी ट्रैकर मशीन बीप करती है, उसका मैसेज सीधा CMHO तक पहुंचता है, और तुरंत वहां पर टीम पहुंचती है कि किसी ने भ्रूण जांच तो नहीं की है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। सोनोग्राफी में एक जगह होनी चाहिए व्यवस्थित, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए अलग लैट्रिन बाथरूम होने चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं। चलिए, खैर, इस पर आगे बात करेंगे। अब अपन चलते हैं सीधे एक्सरे रूम की तरफ। इतना बड़ा अस्पताल, 2 एक्सरे रूम बने हुए हैं, और दोनों की हालत आप एक बार अंदर जाकर के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक की तो हालत यह है कि अभी जो व्यक्ति अपना एक्सरे करवाने के लिए जा रहा है, जिसकी हड्डी टूटी है, वो सोच रहा है कि मैं एक्सरे तो करवाने आ गया, ये बिल्डिंग मेरे ऊपर गिर गई तो मेरी और हड्डियां टूट जाएगी। ऐसे हालात उन कमरों के हैं।
सन 1980 के दशक की वहाँ पर मशीनें आपको नजर आएगी, हालांकि नहीं होगी, मेंटेनेंस रखरखाव नहीं है। अब हम बात इमरजेंसी वार्ड की कर लेते हैं। कई प्रकार की दवाइयां आपको अवेलेबल मिलेगी नहीं जो इमरजेंसी वार्ड में होनी चाहिए। कई सारे वार्डों में जाएं जहां पर एसी लगे थे, कई सारे इक्विपमेंट सरकार की ओर से दिए गए थे, कोरोना के काल में यहां पर करोड़ों रुपए के संसाधन लोगों ने डोनेट किए थे, लेकिन आज जाके देखिए क्या वो है, कहां गए, क्या अस्पताल खा गया? नहीं ना, बिल्डिंगें नई बनी हैं, आप जाकर के देखेंगे तो अगर उसमें जो बिल्डिंग का पैसा जारी हुआ है उसका अगर 30-40% भी उसमें लगता तो आज ये हालात नहीं होते। हर कोई यही कह रहा है कि ये क्या है, ये हालात आज बाड़मेर के अस्पताल की है, इसका जिम्मेदार कौन है? अब आप दवाइयों की बात करिए, कई सारी ऐसी दवाई हैं जो अस्पताल में मरीजों को दी जाती है लेकिन वह वहां है ही नहीं। दवाई जहां निःशुल्क दवाई दी जाती है उन सेंटरों की बात कर लो, ओपीडी की बात कर लो, लैब की बात कर लो, एक्सरे मशीन की बात कर लो, सोनोग्राफी की बात कर लो, ओपीडी की बात कर लो, आईसीयू की तो बात ही मत करो। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाड़मेर के अस्पताल में नए वार्ड बने हैं जिन्हें कॉटेज वार्ड कहते हैं। एक वार्ड के 40 लाख रुपए स्वीकृत हुए और उनके हालात आप आकर एक बार जाकर के जरूर देखिए, क्या ये 40 लाख का एक वार्ड है? खैर, अब हम पीछे बन रही एक बिल्डिंग की भी बात कर लेंगे। ये वही ठेकेदार हैं जिन्होंने नई वाली बिल्डिंग को बनाया है। अगर आप अस्पताल जाते हैं तो वहां पर जाकर के देखिएगा, आपका हक है, आपका अधिकार है, वो पैसा आपका लग रहा है, आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अब आवाज आप और मुझे ही उठानी पड़ेगी। ये लोग जिनके भरोसे हम बैठे हैं ये कभी आगे नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो ये हालात और बदतर हो जाएंगे, इसलिए अब आवाज उठाना सीख लो, बात करना सीख लो। बाड़मेर के लगातार पिछले कुछ समय की बात करें तो यहां पर निजी हॉस्पिटलों की एक बड़ी सी कतार लग रही है, एक के बाद एक निजी हॉस्पिटल लैब खुल रही है। कारण ये कि जिला अस्पताल के हालात खराब हैं। ये हालात सिर्फ अभी खराब नहीं है, पिछले 3-4 सालों से ये हालात धीरे 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 खराब ही होते जा रहे हैं। बड़ा दुख होता है जब हम जाते हैं, ये चीजें देखते हैं, हम लगातार रिपोर्टिंग करते हैं, हालांकि कई लोग हमें कहते भी हैं कि यार यहाँ यूँ क्यों कर रहे हो, बेचारे इतने काम कर रहे हैं, ये डॉक्टर साहब ये है, वो स्टाफ ऐसा है, वो नर्सिंग कर्मी ऐसा है, उनके लिए मत करो, इसके लिए मत करो, लेकिन हमसे तो ये देखा नहीं जाएगा। हम बोलते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे, और ये आवाज़ तब तक उठती रहेगी जब ये सिस्टम चेंज नहीं हो जाए। थोड़ा मुश्किल है, आप लोगों का सहयोग चाहिएगा, आप लोगों की आवाज चाहिएगी, सिस्टम तो बदलेगा ही। मातृ एवं शिशु वार्ड जहां पर रोजाना बेचारे गरीब लोगों के मोबाइल फोन चोरी हो रहे हैं, साफ सफाई की तो बात ही मत करो, पीने के लिए पानी नहीं है, लैट्रिन बाथरूम डटे पड़े हैं, एक एक बेड पर 4-4, 5-5 बच्चों को सुलाया जा रहा है, भर्ती मरीजों के हाल बुरे हैं, बारिश आते ही पूरा अस्पताल पानी से भर जाता है, छतें टपक रही हैं, लेकिन सुनने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। इसके लिए जिम्मेदार आप और हम हैं। नैतिकता तो बाड़मेर के जिला कलेक्टर की बनती है, उनके अधीनस्थ अधिकारियों की बनती है, विभाग की बनती है, राजस्थान सरकार की बनती है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की बनती है। एक बार जरूर औचक निरीक्षण करते हैं, दौरा करते हैं, पिछले दिनों संभागीय आयुक्त साहब आए थे, बड़े मीडिया को देख करके, कैमरे देख करके कह रहे थे ये कर दो, वो कर दो, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसे क्यों किया, लेकिन असर क्या हुआ? कलेक्टर साहब ने भी कमेटी बनाई थी, ये करेंगे, निगरानी रखेंगे, इसके लिए एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करेंगे, नगर परिषद आयुक्त इनकी निगरानी करेंगे, हालात क्या है? क्या रात को अस्पताल की लाइटें चालू है? क्या सीसीटीवी कैमरे स्टार्ट है? क्या पूरे गार्ड लग रहे हैं? क्या पुलिस की निगरानी होती है? नहीं ना। मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहूँगा और इतना जरूर कहूंगा कि अस्पताल की ये तमाम तस्वीरें आपको हम दिखाते रहेंगे। एक बाड़मेर का नागरिक होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा धर्म है जो मैं हमेशा निभाऊंगा, और ये सिस्टम
ऐसे चला तो आप सब लोगों को भी आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। धन्यवाद।